ये बता 2019 में प्रधानमंत्री कौन? 2019 में प्रधानमंत्री कौन, इस समय हम ये तय नहीं कर सकते, लेकिन इतना पक्का है कि आज जो सरकार है वो नहीं रहेगी। सही बात। अभी जो सरकार है वो नहीं रहेगी, अब वो सरकार अपनी नीतियों के कारण जाएगी। जो मोहम्मद बिन तुगलक का आपने नाम सुना होगा, वो स्थिति रही है। नोटबंदी देख लो आप, GST देख लो, लौट के वहीं आ गए जहां से चले थे। GST लागू करी, 28% तक ले गए, खींच खींच के 12% 18% पे आ गए। क्या मतलब, फायदा क्या हो रहा है? आप लागू करते हैं, आपने SC ST एक्ट पे आगे पीछे हट गए, 10% और दे दिया, कर क्या रहे हैं? मतलब आप आगे पीछे का खेल खेल रहे हैं, आरक्षण का विरोध करते, मतलब आपकी खुद को तय नहीं है कि भाई हमें लाभ होता दिखेगा तो हम करेंगे, हमें हानि होती दिखेगी तो नहीं दिखेंगे, मतलब देश का कुछ नहीं है। ये बताएं आपकी बात किसकी सरकार 2019 में? मोदी जी के अलावा किसी और की? आप किसकी, ये कंफर्म नहीं, लेकिन मोदी जी के अलावा किसी की? क्यों? मोदी जी की नीतियां गरीब और किसानों के लिए बहुत बदतर हो चुकी है, बहुत ज्यादा बदतर। किस आधार पे आप इस चीज को कह रहे हैं? मैंने अनुभव किया है। किसान का बैग, DAP का बैग कितने का आता था? 1100 रुपए का। आपके पास ये ताना साहब, यही तो ताना साहब मोदी जी, मोदी जी मोदी आपकी ताना साहब 1100 रुपए का आता था, 1460 रुपए का आता है। बताइए आप, मात्रा वो बढ़ गई, पहले उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम थी, फास्फोरस की मात्रा कम थी, उसको बढ़ाया, इस वजह से रेट बढ़ा। अच्छी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। पिछले वाले और मोदी के जितना अच्छा नेता मैंने आज तक नहीं देखा। अभी देखा राजस्थान का ही ले लो, राहुल गांधी ने बोला कि सब किसानों का 2-2 लाख कर्जा माफ होगा, 70-67 रुपए, 100 किसी का 100 रुपया भी माफ नहीं हुआ। किसका माफ हुआ? जिसने 5-6 साल पहले लोन लिया था उसका कर्जा 4 लाख हो गया 1 लाख का, तो उसका कर्जे का 2 लाख माफ किया, फिर भी उसको 2 तो जमा कराना ही पड़ेगा। माफ क्या क्या, जो भी फ्रॉड घोषित है, फ्रॉड घोषित हैं, तो फ्रॉड किसान मिलेगा ही नहीं, फ्रॉड किसान मिलेगा ही नहीं। अपनी जमीन गिरवी रख कर कौन फ्रॉड होना चाहेगा? भाई साहब प्लीज प्लीज, आज की राजनीति का वो हश्र हो रहा है जैसे कि जंगल में गीदड़ योजना बना रहे हैं कि शेर का शिकार कर लिया जाए। तो EVM खराब है, अब लंदन में जाके कपिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 2000 चुनाव नरेंद्र मोदी EVM घोटाले से जीत गए, ये सारा सब गलत है। जहां तक आरक्षण की बात है, जब SC ST OBC को आरक्षण मिलता था तब जनरल वालों ने कुछ नहीं किया, उनको दे दिया तो सबको समान कर दिया, उतना क्या बुरा। तो आपका क्या कहना है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रही है? राजनीतिक रोटियां सेकती है, पर मोदी ने जो किया अच्छा दिया, लोगों को आवाज दिए, खाते दिए, अब गैस सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना दिया, बिजली दी है, सड़क दिया है, और क्या चाहिए लोगों को? लेकिन भैया जी लेकिन अभी ये आया है कि अभी कुछ दिनों ये पिटारा खुला नहीं था, अचानक से ये पिटारा भी खुलना शुरू भी हुआ है, जो अभी ऐसा भी है, आप इसमें बताएं। जब वो आया था तब से भी खाते चालू हुए थे जनधन के, नहीं वो तो ठीक है, और भी चीज है हाँ, लेकिन बीच में सब हो गया था, फिर बीच में भी लास्ट में बिल्कुल बहुत किया, उनका जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। मतलब 2019 में प्रधानमंत्री कौन? 2019 में प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, और उसका कारण ये है कि देश के प्रमुख जो विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को एक प्राथमिकता दिलवाना है, उसमें मोदी काफी हद तक सफल हुए हैं, और आम जनता चाहेगी कि मोदी दोबारा से 2019 में प्रधानमंत्री पद पर बैठे और देश को आगे बढ़ाएं।